दोस्तों जी है मेरे पास Redmi का Note 8 Pro और आज मैं आपके लिए ले आया हूँ दोस्तों इसके दो बैक कवर की अनबॉक्सिंग जो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। दोस्तों आज मैं आपके सामने दोनों जो कवर हैं उनकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको इस मोबाइल पर लगा के दिखाऊँगा कि कैसी फिटिंग आती है और आपके लिए दोस्तों किस तरह का कवर, कौन सा कवर बेस्ट रहेगा इन दोनों कवर में से। क्योंकि दोस्तों जो भी कवर मैं आज ले कर आया हूँ दो कवर, वो दोस्तों दोनों ही कवर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें खरीदते हैं। तो दोस्तों दोनों कवर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कि आपको इनमें से कौन सा कवर अपने फ़ोन के लिए लेना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको Redmi Note 8 Pro के लिए लेना चाहिए, आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, चाहे वो Redmi का हो या फिर किसी अदर कंपनी का हो, अगर आपको कोई अच्छा कवर लेना है अपने फ़ोन के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके कवर चूज़ करने में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह है मेरे पास Redmi Note 8 Pro और मैं आपके सामने पहला कवर लेके आता हूँ। तो दोस्तों देखिए यह है मेरे पास एक पहला कवर जिसे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी क्वालिटी है। तो दोस्तों देखिए ये है कवर जिस पर रॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये चाइना मेड आइटम होते हैं, ये इंडिया में नहीं बनते। तो दोस्तों ये रबड़ है, ये रबड़ टाइप से है, सिलिकॉन कवर आप बोल सकते हो इसे। जो ट्रांसपेरेंट कवर आते हैं उस टाइप से नहीं है, बट रबड़ टाइप में है, ये काफ़ी पतला है। और दोस्तों इसकी फिटिंग में आपको दिखाऊँ तो दोस्तों ये की है, आप जब इस पर लगाओगे तो एकदम ये फ़ोन के ऊपर एकदम दोस्तों सटीक बैठता है, एकदम पतला कवर है। ये आपका जो कैमरा है वो एकदम लेवल से आता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा एकदम लेवल से कैमरा आता है इसका। ऐसा नहीं है कि कैमरा बम जो बाहर निकला हुआ है, बाहर नहीं निकलेगा लेकिन एकदम लेवल से आएगा। और दोस्तों काफ़ी पतला लगता है ये, आपका जो आपके मोबाइल की दोस्तों ये मोटाई है तो बिल्कुल भी इससे आपकी मोबाइल की मोटाई नहीं बढ़ेगी, सेम उतनी ही रहेगी। दोस्तों ये जो कवर है एकदम पतला है, इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ये है कि आप इसे स्क्रैच बचाने के लिए आपके फ़ोन पर स्क्रैच ना आए, फिंगरप्रिंट ना आए, इसलिए इसे यूज कर सकते हो। दोस्तों इन दोनों कवर की क्या प्राइस है, जो एक जी कवर एक और मैं दिखाने वाला हूँ दोनों, इन दोनों कवर की वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आपको इन दोनों कवर का ख़रीदने का दोस्तों तरीका ही बताऊँगा कि आप इन्हें कहाँ से किस कीमत में खरीद सकते हो, ऑनलाइन कितने में मिलेगा और ऑफलाइन जो दोस्तों आपको कितने में मिलेगा और मैंने इन दोनों कवर को कितने में परचेस किया है। दोस्तों जीता वो पहला कवर, अब मैं आपके लिए दूसरा कवर लेके आता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है वो दूसरा कवर, आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो दोस्तों ये है वो दूसरा कवर, ये देखिए ये पीछे प्लास्टिक है और ये साइड से दोस्तों ये फ्रेम है, ये रबड़ का है। जैसे अभी ये वाला कवर था ये वाला, इस तरह से इसकी रबड़ है ये साइड में, इसके ये कॉर्नर में चारों तरफ। और दोस्तों ये बीच में जो बैक में इसके जो दिया गया है ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है। और कैमरे का भी दोस्तों इसमें प्रोटेक्शन दी गई है जिससे आपके कैमरे के जो लेंस हैं दोस्तों उन पर कोई स्क्रैच ना आए। चलिए मैं आपको इसमें कवर फ़ोन लगा के दिखाता हूँ जिससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसमें आपका जो कैमरा है, कैमरे दोस्तों जो लेंस हैं वो एकदम सेफ हैं, बिल्कुल भी इन पर स्क्रैच नहीं आने वाले, चाहे आप इसे कैसे भी रख लो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो कैमरे का जो पीछे के जो दिया गया बैक में दोस्तों जो बाहर निकला हुआ है जिससे आपका कैमरा एकदम सेफ रहेगा अगर आप फ़ोन को ऐसे रख दो चाहे कैसे भी रखो। और दोस्तों इसमें आपका जो मोबाइल है एकदम प्रोटेक्ट रहेगा, कोई भी स्क्रैच नहीं आएंगे आपके फ़ोन पे। और अगर गलती से आपका फ़ोन ज़मीन पर इतने ऊंचाई से गिर भी जाता है फिर दोस्तों आपके मोबाइल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो कवर दोस्तों काफ़ी मोटा है साइड से भी पीछे से भी। इसमें दोस्तों फ़ोन लगाने से फ़ोन थोड़ा हैवी हो जाता है, बस यही एक दिक्कत है कि अगर आप इस तरह का कवर यूज करते हो तो आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा थिक लगेगा। बट दोस्तों काफ़ी सॉलिड कवर होता है जिसको दोस्तों हम स्मोक कवर के नाम से लेते हैं। ये स्मोक कवर दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, शायद आपके पास
कोई सा ही फ़ोन हो, चाहे आईफोन हो, सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का हो, आपको हर कंपनी के फ़ोन का ये कवर मिल जाएगा। और इसकी फिटिंग भी दोस्तों काफ़ी सटीक बैठती है। तो दोस्तों जियो कवर हैं जो मैं आपको बता रहा था, इनकी प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों जियो कवर है, इसमें कवर ये आपको मार्केट में 100 रुपये का मिल जाएगा, आपकी नॉर्मल जो आसपास की मार्केट होती है दोस्तों वहाँ पे। लेकिन दोस्तों आप किसी से भी सिटी से हों, आपको जो सिटी में मिल जाएगा। और दोस्तों जियो कवर है सिलिकॉन वाला, रबड़ वाला, ये आपको 80 रुपये तक का मिल जाएगा। काफ़ी जगह पर दोस्तों ये और भी कम प्राइस में मिल जाता है, बट दोस्तों वहीं अगर इन दोनों कवर को आप ऑनलाइन खरीदते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, तो दोस्तों ये जो कवर है ये आपको 150 रुपये के समथिंग मिल जाएगा, ये रबड़ वाला ऑनलाइन। प्लस दोस्तों ये वाला जो कवर है, ये वाला स्मोक कवर दोस्तों, ये आपको 250 रुपये से समथिंग आसपास मिलता है। जो भी दोस्तों इन दोनों कवर की ऑनलाइन प्राइस मैंने आपको बता दी है, चाहे आप फ्लिपकार्ट से खरीदो या फिर अमेजन से। बट दोस्तों अगर आप इस तरह का लेना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप अपनी मार्केट में अगर ट्राई करें, जब आपको वहाँ ना मिले तब आप ऑनलाइन मंगाएं, क्योंकि दोस्तों मार्केट की रेट में और ऑनलाइन रेट में दोस्तों डबल का फ़र्क है। आपको आपकी मार्केट में 100 रुपये के समथिंग में ये मिल जाएगा, बट दोस्तों अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हो तो तब ये दोस्तों आपको 250 रुपये के आसपास या 260 रुपये के आसपास मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 3-4 दिन आने में भी लग जाएंगे मंगाने में। प्लस दोस्तों आप अपने मोबाइल को एकदम फिट तरीके से यूनिक इसमें ट्राई नहीं कर पाओगे कि आपका जो कवर है जो आपने मंगाया है वो आपके मोबाइल पे एकदम फिट बैठ भी रहा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने मार्केट से खरीदते हो तो वहाँ आके आप दोस्तों ट्राई कर सकते हो कि आपका मोबाइल पर जो कवर लगा रहे हो आप, वो आपके मोबाइल पर एकदम फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों ये अच्छी बात होती है ऑफलाइन शॉपिंग करने की।